दोस्तों, इस भाई ने कुछ इस टाइप के फोटोज से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और केवल 3 शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड किया। यहां पर आप देख सकते हैं, इनके चैनल पर केवल 3 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड है, 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। और देख सकते हैं कि पहले ही फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट शॉर्ट्स को इन्होंने वायरल कर लिया है, 9.7 मिलियन व्यूज है। ठीक है, अगर दोस्तों इस पर लाइक देखे जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर 1.7 मिलियन लाइक है और 97 लाख व्यूज है। ठीक है, और एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, इनके चैनल के अबाउट में जाते हैं तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं ज्वाइन अक्टूबर 30, 2024, मतलब आज 6 नवंबर है, 7 दिन पहले भाई ने चैनल क्रिएट किया था। ठीक है, 30 अक्टूबर को चैनल क्रिएट किया था और 31 अक्टूबर को पहला शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पर 97 लाख व्यूज हैं और 14 लाख लाइक हैं। ठीक है, इस तरह के वीडियो को कैसे बनाते हैं, इस तरह के फोटोज को, इमेज को कहां से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद किस तरह से एडिटिंग करते हैं जिससे हमारा कॉपीराइट भी ना आए, तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस टाइप के वीडियो तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, पर दोस्तों मेन चीज ये है कि पहले ही फर्स्ट वीडियो को वायरल कैसे किया, ये चीज मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कि भाई फोटो कहाँ से डाउनलोड करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पिंटरेस्ट को, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दोस्तों पिंटरेस्ट को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरा ओपन लिखा हुआ आ रहा है, आपका यहाँ पर इंस्टॉल लिख के आ हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पिंटरेस्ट नाम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जब दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको होम पर क्लिक होगा और इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको उस टाइप के फोटोज को डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर सर्च का बटन दिख रहा होगा तो सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड दोस्तों ऊपर सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है AI फनी इमेज। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं AI फनी इमेज। तो दोस्तों आपको सर्च कर देना है AI फनी इमेज लिखकर, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के फोटोज आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपने जो सर्च किया है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी फोटो आएंगे और कुछ फोटो अलग से भी आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको जिस टाइप के वहां से फोटो अच्छे लगते हैं, जिस टाइप के फोटो को आपको डाउनलोड करना है उसी टाइप के फोटो को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपको देख लेना है जैसे ये फोटो है। ठीक है, तो इस तरह से फोटो आपको देखना है तो इसको क्लिक कर लेना। जब आप ऐसे फोटो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो सजेस्ट करेगा वो भी उसी टाइप का फोटो होगा। ठीक है, तो आपको जो भी फोटो अच्छा लगता है उस फोटो को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट का निशान दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो को ओपन किया, 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इसको क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो डाउनलोड भी हो चुका है। अब आपका फोटो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एडिटिंग किस तरह से करनी है ताकि आपका कॉपीराइट क्लेम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ अपने फोन के एप्लीकेशन में, मतलब कैन मास्टर में। ठीक है, आप इसे कैन मास्टर या कैपकट किसी से भी एडिट कर सकते हैं, मेरा फेवरेट कैन मास्टर, क्योंकि दोस्तों कैन मास्टर यूज करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास विदाउट बटरमार्क वाला कैन मास्टर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, वो जाके देख लेना और आपको कैन मास्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों कैन मास्टर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको, तो मैं यहाँ से दोस्तों एक इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने इस इमेज को ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों इस इमेज को लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। और दोस्तों इसकी ड्यूरेशन अभी 4 सेकंड है तो इसको इस तरह से स्क्रॉल करके आपको 8 या 9 सेकंड कर लेनी है। ठीक है, अब आपने कर लिया। ठीक है, आपका ये फोटो हो गया। अब दोस्तों फोटो पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम से बचना है तो फिल्टर में जाके आपको कोई एक फिल्टर चूज कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला फिल्टर सिलेक्ट कर लिया है एंड दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इक्वल वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना एंड दोस्तों आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी इस पर क्लिक करना है फोटो पर और एडजस्टमेंट में जाना है और दोस्तों इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेना। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका फोटो इस तरह से आपको एडिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से फोटो में अगर इस तरह से आपको ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों हमारा वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। जैसे अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो इस तरह से बन गया। ठीक है, अब आपका 8 सेकंड का वीडियो बन गया। अब दोस्तों इसमें ना तो आपको फेस की जरूरत है ना आपके वॉइस की जरूरत है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, इसको शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ से मतलब इसको एक्सपोर्ट कर लेना, कैन मास्टर से इसको एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी मेरे फोन में स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इम्पोर्ट करने का दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपको आ जाना है यूट्यूब पर। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि तो दोस्तों उस भाई ने अपनी फर्स्ट वीडियो को वायरल कैसे किया था, उस टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस भाई का ओरिजिनल ऑडियो नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों उस भाई के चैनल को मैं दिखाऊंगा कि उस भाई ने क्या ऐसी ट्रिक अप्लाई की थी। ठीक है, यहाँ पर सर्च पे जाऊंगा, उस भाई के चैनल का नाम है मैजिक ट्रिक 25, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसके चैनल पर 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। अब दोस्तों इसकी जो पॉपुलर वीडियो उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 9.7 मिलियन व्यूज है। ठीक है, तो 9.7 मिलियन व्यूज, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इनके जो चैनल का डीपी है कुछ भी लगा हुआ नहीं है, केवल इनके चैनल के नाम से यहाँ पर एम बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसका ऑडियो है वो एक चैनल है जो कि काफी पॉपुलर चैनल है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस चैनल का नाम है एसी इल्यूजन, जिस पर दोस्तों 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल का म्यूजिक लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है, यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। दोस्तों जब इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जो भी वीडियो अभी काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना। ठीक है, ऐड पर जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपको उस फोटो को इस वीडियो को ले लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो एक्सपोर्ट कर रखा था, तो दोस्तों मैं उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, तो दोस्तों आप वीडियो को लेने के बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो की वॉइस को बिल्कुल डाउन कर देना और दोस्तों ओरिजिनल ऑडियो को रहने देना। ठीक है, आप डन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ये कंप्लीट होता है तो अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर डन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं अब डन पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों सही के निशान पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर एक कवर जरूर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको इधर मिलेगा ऑडियो का, ठीक है, ऑप्शन, इधर ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों योर ऑडियो को आपको बिल्कुल डाउन कर देना है। एंड दोस्तों जो हमारी जो साउंड को हमने यूज किया उस साउंड को फुल कर देना है। एंड दोस्तों इसके बाद राइट टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और दोस्तों यहाँ से हमें एक थंबनेल एक कवर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक टाइटल डाल देना, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैजिक ट्रिक। ठीक है, इस तरह से आप मैजिक ट्रिक लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे एक हैशटैग जरूर लगाना जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 हैशटैग लगा देंगे, हैशटैग मैजिक, ठीक है, पहला बी लगा दिया, दूसरा लगाएंगे हैशटैग वायरल। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर लगाना जिससे आपकी वीडियो यहाँ पर वायरल हो जाएगी, पहली ही वीडियो वायरल हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट में दोस्तों आपको हैशटैग शॉर्ट्स, ठीक है, ये जरूर लगाना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपने वॉइस को एआई से जनरेट कराया है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर मिलेगा एक अल्टर्ड कंटेंट। ठीक है, तो इसको दोस्तों यस करना है, अगर आपने यस नहीं किया तो आपके वीडियो पर 0 व्यू आएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो ओरिजिनल है तो दोस्तों हमें इसको नो पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर बैक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक पर ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ पर 3 चीज होती है, प्राइवेट, अनलिस्टेड और यहाँ पर पब्लिक होता है। ठीक है, तो आपको पब्लिक पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपलोड कर देना है। अब आपका वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।